दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? दोस्तों स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अरिबम इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। दोस्तों आज जो है टेबल फैन या स्टैंड फैन के बारे में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये पंखा जो है सामने स्टैंड फैन आप देख पा रहे होंगे कैमरा में जो मैं चला के जो है इस वीडियो बना रहा हूँ। तो फैन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फैन जो है कैसे जो है वाइब्रेट कर रहा है और कैसे सेक हो रहा है, देखिए। तो ये स्टैंड फैन या टेबल फैन में या सीलिंग फैन में जो है हो जाता है ऐसा कभी कभी, फैन जो है गिरने की वजह से या पुराना होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को जो है पता नहीं चलता है, इसका रीज़न जो है हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्यों ये जो है ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट कर रहा है। और जो है एक जगह में अगर इसको रख करके चलाओगे तो ये जंप करते करते जो है दूसरे जगह पहुँच जाता है। और ख़ास करके टेबल में जो टेबल फैन होता है, टेबल फैन को अगर आप ऊपर रख के चलाओगे तो ये ज़ोर ज़ोर से जब आप लो स्पीड में इसको चलाओगे तो और भी ज़्यादा वाइब्रेट होने लगता है और जो है एक जगह में नहीं रहता है, बहुत ही शोर करता है टेबल में। तो इसका रीज़न मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लेड मैं अभी लगा करके चला रहा हूँ फैन में, ये बिल्कुल नया ब्लेड है। तो नया ब्लेड लगाने के बाद भी देखिए फैन जो है कैसे वाइब्रेट कर रहा है और जो है ज़ोर ज़ोर से जो है सेक कर रहा है। और ख़ास करके लो स्पीड में चला रहा हूँ मैं, नंबर वन में, तो नंबर वन में भी देखिए इस तरह से सेक हो रहा है। अगर हाई स्पीड में चलाओगे तो थोड़ा सा कम होता है इसका सेक, लेकिन इतना ज़्यादा जो है कम नहीं होता है। तो ये देखिए इसका कारण जो है मैं ये वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बताने से पहले देखिए, ये बिल्कुल नया ब्लेड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को बताने के लिए ये नया ब्लेड को लगाया हूँ। तो ये जो ओरिजिनल कंपनी जो फैन के साथ लगा के देता है वो एक ब्लेड को मैं लगा करके फिर उसको भी चला करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। और एक ओरिजिनल जो कंपनी कोई भी उषा हो या ओरिएंट हो, बजाज हो, जो भी हो, उसका जो ओरिजिनल ब्लेड रहता है वो लगा करके दिखाऊंगा। ये देखिए नया ब्लेड है, बहुत ही जो है सामने कैमरा में देख पा रहे होंगे। तो ये ओरिजिनल ब्लेड जो है टूटने के बाद अगर आप ब्लेड चेंज करोगे तो आपको जो कंपनी ओरिजिनल बना के देता है फैन जो लगा के देता है ब्लेड, फ्लेक्सिबल होता है, वैसा ब्लेड आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। तो अगर आप लेने जाओगे, अगर आपका जो है ब्लेड टूट गया है या तो चेंज करना है आपको, तो कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी का जो है फ्लेक्सिबल जो ब्लेड होता है वही लेकर के लगाइएगा। तो ये देखिए एक पुराना ब्लेड में यहाँ पे ओरिजिनल जो कंपनी फैन के साथ देता है इसको लगाया हो। देखिए इसको मैं चलाने के बाद देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं ध्यान से आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल जो है फैन में कोई सेक नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल जो है साइलेंट जो है पंखा जो है चल रहा है। देखिए आप, मैं फ्रेम को भी हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि देखिए कभी कभी फैन जो है स्टैंड फैन हो या टेबल फैन कभी कभी जो है गिर जाते हैं या तो कुछ चीज़ जो है इसका अंदर लगने के कारण जो है इसका ब्लेड जो है अनबैलेंस हो जाता है या तो टूट जाता है, इस साइड से थोड़ा सा एक टुकड़ा जो है गिर जाता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग जो है इसको चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन फैन जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से जंप करने लगता है और बहुत ही ज़ोर से जो है वाइब्रेट करने लगता है। तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये ब्लेड जो है तीनों का तीनों जो ब्लेड होता है एक साथ जो है एक ही बैलेंस में होना चाहिए, थोड़ा सा भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जब अनबैलेंस हो जाता है तो फैन जो है ज़ोर ज़ोर से जो है वाइब्रेट करने लगता है, सेक करने लगता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दिखिए, ये देखिए बिल्कुल टाइट है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर ब्लेड टूट गया है या तो आपको ब्लेड चेंज करना है, आप बाहर से अगर ब्लेड खरीदोगे तो कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी का जो ब्लेड होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस तरह से देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो कोशिश करिए इस तरह का ब्लेड ही जो है लिया करके लगाइए, क्योंकि ये सही तरह से बैलेंस बना लेता है क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। और थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी का जो ब्लेड होता है वो थोड़ा सा, ये देखिए अगर ज़्यादा सेक होने लगा तो इसका अंदर जो है बूस लगा होता है तो बूस भी ख़राब हो जाएगा अगर फैन को आप जो है वाइब्रेट करते करते चलाते रहोगे तो
और जो हार्ड क्वालिटी का जो ब्लेड होता है उसको मत लगाइए, क्योंकि लोकल मेड होता है तो बैलेंस नहीं रहता है उसमें। आप बिल्कुल नया चिकना ले करके लगाओगे तो भी जो है थोड़ा सा इधर उधर रहता है इसका बैलेंस, तो फैन जो है बैलेंस नहीं कर पाता है इसको। ये देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल नया है, आप देखेंगे ये बहुत ही शाइनी है। तो पसंद करके आप ले आओगे तो ये देखिए बैलेंस जो है बिल्कुल बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि फैन अगर फैन जो है वाइब्रेट कर रहा है, इसका जोर जोर से जो जंप कर रहा है, तो सेटिंग आप है ब्लेड को बिल्कुल एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ब्लेड कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं साइड से कुछ एक पीस जो है टूट तो नहीं गया, अनबैलेंस तो नहीं है। अपना नया ब्लेड लगा करके देखिए एक बार, तो पता चल जाएगा आपको। अगर ये वाइब्रेशन जो है इसका नीचे अंदर जो मोटर का अंदर बूस्ट लगा होता है इसका वजह से भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। बूस्ट अगर ख़राब होगा तो पंखा जो है चलना बंद कर देगा। तो कभी कभी हेड जो है थोड़ा सा लूज़ होने की वजह से भी हो जाता है, लेकिन इतना वाइब्रेट नहीं होता है। खास इसका मेन रीज़न होता है ये बैलेंस, फैन जो है अनबैलेंस होने के कारण जो है इस तरह से वाइब्रेशन करता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।